हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंजाबी पालक छोले इन ग्रेवी की सब्जी। तो रेस्टोरेंट जैसी ही सब्जी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए पंजाबी पालक इन ग्रेवी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज की सब्जी पालक की ग्रेवी से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा है। हमारा पानी हल्का सा गर्म हो चुका है तो अब इसमें पालक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से पहले से साफ कर इसे 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, पालक को हमें ज्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही 2 से 3 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे और लगातार इसी तरीके से इसे चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं हमारा पालक हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब तुरंत ही गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे पालक को हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अब पालक को हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही हमारा पालक हल्का सा ठंडा हो जाए एक मिक्सर जार लेंगे और सारे पालक को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसकी एक अच्छी सी स्मूथ प्योरी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पालक को पीसते समय आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके की एक पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाया है। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितना तेल डालेंगे और जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 से 3 लौंग डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे, 1 लंबी स्लाइस में कट की हुई प्याज डालेंगे, मिला देंगे इसे अच्छे से और करीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे भुनेंगे। साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च को इस तरीके से लंबी स्लाइस में कट कर कर डालेंगे। यहाँ पर हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 जितनी लहसुन की कलियां डालेंगे, मिला देंगे इसे अच्छे से और करीबन 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसे भुनेंगे। जैसे ही हमारे प्याज का हल्का सा कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, मिला दे इसे अच्छे से। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे जिससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, मिला देंगे इसे अच्छे से और करीबन 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसे भूनेंगे। अब इसमें 10 से 12 जितने काजू के टुकड़े डालेंगे। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से काजू कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 बड़ी चम्मच जितने मगजतरी के जो बीज आते हैं वो डालेंगे, मिला देंगे और करीबन फिर से इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को अच्छे से भुनेंगे तो आपकी प्योरी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसे कवर करके करीबन 2 मिनट के लिए रखेंगे जिससे हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मिला देंगे इसे अच्छे से। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे और हमारे प्याज और टमाटर को हल्का सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर प्याज हल्के से ठंडे हो जाए एक मिक्सर जार लेंगे और इसकी एक स्मूथ प्योरी बनाकर तैयार करेंगे। तो आपको इसको पीसते समय पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर से उसी कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़ी चम्मच जितना तेल डालेंगे और साथ ही में इसमें 1 चम्मच जितना घी डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा घी डालने से आपकी सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। जैसे ही हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें 1/4 टीस्पून जितनी हींग डालेंगे और हमने जो प्योरी बनाकर तैयार की है वो सारी इसमें डालेंगे। मिला देंगे इसे अच्छे से और हमारी प्योरी को तेल में करीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर करीबन 2 मिनट जितना हो चुका है और हमारी प्योरी को मैंने अच्छे से भूनकर तैयार कर ली है। तो अब हमने जो पालक की पेस्ट बनाकर तैयार की थी उसे डालेंगे, मिला देंगे सारी पेस्ट को अच्छे से और हमारी प्योरी के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
इस तरीके से हम पालक को करीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे हमारी पालक में जो कच्चापन होगा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर करीबन मैंने पालक की पेस्ट को भी 2 मिनट के लिए भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच जितना धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे और करीबन 1 मिनट के लिए हमारे मसाले को भी अच्छे से भुनेंगे। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले को करीबन 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसे कवर करके करीबन 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो यहाँ पर करीबन 2 मिनट जितना हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे मसाले और हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हमने जो मिक्सर जार में टमाटर और प्याज की प्योरी बनाकर तैयार की थी, उसमें करीबन 1 कप जितना पानी डालेंगे, अच्छे से रिंस करेंगे और हमारी ग्रेवी में डालेंगे, मिला देंगे इसे अच्छे से। तो यहाँ पर ग्रेवी आपको गाढ़ी या फिर पतली जिस तरीके की पसंद हो आप पानी उस तरीके से डाल सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद हमारी ग्रेवी में 1 बॉईल आने तक का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर करीबन 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। तो अब इसमें छोले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीबन 200 ग्राम जितने छोले को करीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर अच्छे से बॉईल कर लिया था, मिला देंगे इसे अच्छे से। तो इस रेसिपी से आप करीबन 4 लोगों को सर्व कर सके उतनी आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने सारे छोले को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें करीबन 1 बड़ी चम्मच जितनी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश कर डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, मिला देंगे इसे अच्छे से। तो अब अच्छे से मिलाने के बाद फिर से इसे कवर करके हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट छोले में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अब करीबन 4 से 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट पंजाबी पालक छोले इन ग्रेवी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम ऑफ कर इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो आपने कभी भी इस तरीके से पंजाबी पालक छोले इन ग्रेवी की सब्जी नहीं बनाई है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।